सभी दर्शकवृंद का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन चैनल हानि प्रोपर। जैसे कि आप जानते हैं कार्तिक मास त्योहारों का मास होता है। पूरे भारतवर्ष में त्योहार ही त्योहार है और त्योहार जिस देश में हो वहाँ मतलब किसी को तकलीफ नहीं होती। क्यों? जितना ज़्यादा त्योहार पैसे का ट्रांसफर होता है। आप इसे इकोनॉमिक्स समझें कि जो कमाता है वो खर्च करता है और खर्च करेगा किससे, तो हर व्यक्ति के। जैसे कि अभी दिवाली की है, मिट्टी के दिए खरीदे हमने, पोस्टर खरीदे हमने, लाइटें खरीदी हमने, कैंडल खरीदे हमने, तो कई लोगों के घर में पैसा गया। तो जितने भी लोग थे जिन्होंने त्यौहार सेलिब्रेट किया है तो उसका पैसा खर्च हुआ है और करीब करीब सभी वर्गों को मिला है। तो इसलिए त्यौहार का देश भारत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया देश रहा है और इसे हम सुंदर बना के रखें, सम्यक बना के रखें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज दिवाली के बाद, छठ त्योहार के बाद, मैं आपके लिए एक 25 गज का प्लॉट, एक नहीं कई सारे हैं, वीडियो में सबके नहीं डालूंगा, 25 गज का प्लॉट में मिनिमम आपको दे सकता हूँ 12 लाख रुपए में रमा विहार में, और 13 लाख का भी है बना हुआ, 14 लाख का भी है जो रमा विहार में दे सकता हूँ मैं। यदि आप 20 फिट की गली में लेना चाहते हैं तो आपको मैं दे दूंगा, करीब पुराना खंडहर बना हुआ है, 15 लाख रुपए का आपको 20 फिट की गली में 25 गज का प्लॉट मिल सकता है। तो एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद में आप कहिए कि दुकान के मतलब का 30 फिट चौड़ा रोड है, मतलब टू साइड का है, 30 फिट चौड़े रोड पर दे दूंगा। दो दुकानें आगे 30 फुट चौड़े रोड पे है और पीछे आप अपना रख सकते हैं, घर बना के रह सकते हैं, तो वो भी प्लॉट करीब आपको मैं दे दूंगा, 90-95 गज का है और जिसका मूल्य है 60 लाख रुपए, 60 लाख, और सस्ता है क्योंकि 30 फीट चौड़े रोड पर सिंगल साइड का लोगों ने बेचे हैं 63-64 हज़ार रुपये। मैं आपको 60 लाख में वीडियो में नहीं बताऊंगा, जब आप लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा और सीधी पार्टी से डील होगी, इसमें आपको कमीशन देना पड़ेगा। इसके बाद मैं आता हूँ आज के जो एक 25 गज का है मेरे पास, एक तो बंद गली में मैं ब्लॉक में दे दूंगा, जो आपको खाली प्लॉट दे दूंगा मैं 10.5 लाख रुपए में 15 फीट की गली में एफ ब्लॉक में, और एक ई ब्लॉक में आपको दे दूंगा बना हुआ रहने लायक है, नीचे पत्थर वगैरह लगे हैं, टाइल पत्थर से है, बस करीब 1.5-2 फीट नीचे चला गया है, 13.5 लाख रुपए इसके आस्किंग प्राइस है। रमा विहार में करीब करीब सारी सुविधाएं हैं और UER2 के बिल्कुल नज़दीक है, 40 फुटे से आप उधर चले जाइए, ई ब्लॉक की बात मैं बता रहा हूँ। तो प्लॉट है 40 गज का भी प्लॉट, आप कॉर्नर से सेकंड ले सकते हैं, जो आपको मैं दे दूंगा 16 लाख रुपए में। एक 40 गज का मिल जाएगा आपको, मतलब 20 फीट के 22 फीट की गली में है, कमर्शियल का है वो, क्योंकि 20 फीट कमर्शियल है, लेकिन उस रोड में 20 फीट कमर्शियल है और दुकानें की है, तो उसमें मैं आपको दे दूंगा, जो 20 लाख रुपए में आपको 40 गज वो भी दे दूंगा। तो इतने सारे प्लॉट हैं, बस आप बहुत इंतजार करते हो, प्लॉट में फिर किसी डीलर को दे देता हूँ और डीलर पर ले जाते हैं, कमाते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर वो रेट था, ये रेट था, अभी भी मैं आपको एक 40 गज दूंगा, रेट नहीं खोलूंगा, मार्केट में उसका रेट कम से कम 17 लाख रुपए है, लेकिन आपको मैं दे दूंगा उससे बहुत सस्ता। फिर आपने लखीराम में देखा, लखीराम में भी है, जैन नगर में है, उत्सव बिहार में है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबकी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कुछ चीज़ें जो मेरी है उस पर तो आपको कमीशन देना नहीं होता है, जो दूसरों की चीज़ होती है उस पर मेरा केवल कमीशन का काम होता है। कभी कभी आप उनसे डायरेक्ट हो जाते हैं, आप नंबर ले लेते हैं और वो भी नंबर दे देता है, तो ये होता है कि मेरा कमीशन गायब हो जाता है। तो मेहनत है, आप किसी का पैसा गायब हो जाए तो समझिए वो हजम नहीं होता है। ऐसे एक शर्मा जी झेल चुके हैं रमा विहार में, मेरे मात्र 30-35 हज़ार भागने के लिए डायरेक्ट हो गए और बुरी तरीके फंसे हैं और आज तक फंसे हुए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपको लेकर चलता हूँ पीछे एक प्लॉट पर, यहाँ सारी सुविधाएं हैं जैसा कि आप जानते हैं रमा विहार के बारे में। और व्हाट्सअप जरूर करें आप पहले, फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं कॉल भी करूँगा। तो
इसके बाद की एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें कि भगत सिंह में मैं एल टाइप डालूंगा जो 25 फीट और 20 फीट चौड़े रोड पर है, दुकानें निकल जाएगी, जिसकी पहले वीडियो मैंने 46 लाख की डाली है लेकिन अभी थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा तो मैं सबकी वीडियो फिर से डालता हूँ। तो आप मान के चलिए कि आपको हम पहले 46 लाख में दे रहे थे, अब वो मुझे उम्मीद है कि 44.5 वगैरह में मिल जाएगा वो प्लॉट, और फायदे का सौदा है, लॉस नहीं होना है, बैंक लोन नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं है, आपको जीपीए प्रॉपर्टी है लेकिन आप डीडीए पे भाग्योदय करके जो रजिस्ट्री हो रही है वो कर सकते हैं आप। लेकिन जब हम आपको सारे पेपर दे देते हैं, डॉक्यूमेंट आपके नाम हो जाता है जब ही आप करते हैं। मेरे कुछ वैल्यूएबल कस्टमर हैं जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एक राजेश जी हैं मॉडल टाउन से जिनका मुझ पर पूरा विश्वास है, एक हमारे साथ हैं अरोड़ा साहब जिन्होंने प्लॉट लिया है और बहुत ही फेथफुल हैं, और किसी और डीलर से लेकर वो फंस चुके हैं तो कहते हैं सर पता नहीं आपका काम तो बड़ा साफ सुथरा है लेकिन मैं बुरी तरह फंस गया। तो हाँ कुछ लोग हैं जो मेरी बुराइयां करेंगे तो आप नुकसान में हैं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एक मेरी गंगा मैडम ने मेरे से प्लॉट लिया था रमा विहार में और वो पछता रही हैं कि मैंने उनको दे के बहुत नुकसान किया और उन्होंने ज़्यादा रेट में बेच दिया। तो हमारे साथ आपको जो होगा, जो मेरी चीज़ है वो मेरी है और जो दूसरे की होगी उसमें हम आपको आमने सामने बिठा देते हैं, केवल मेरे कमीशन का काम होता है, लोग कमीशन भी खा जाते हैं। तो पता नहीं भारतीयों में बिजनेस करना मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है, चलिए खैर कोई बात नहीं, सब अपने अपने ये इन प्रकार मनी बनाने के रहते हैं, तो मनी बनाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा व्यक्ति बने। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैं प्रवचन दे दिया है, तो आप थोड़ा इग्नोर करिए और हो सके तो आप बैक कैमरे का ये वीडियो जरूर देखें, अच्छी तरह देखें, पूरी वीडियो देखें। लोगों को 20-20 मिनट का वीडियो होता है, मैं मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ वो भी आप पूरा नहीं देखते हैं, तो 10-12 मिनट दीजिए आप और फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और प्लीज़ एक दिन पहले मुझे मैसेज छोड़िए, दो दिन पहले मुझे मैसेज छोड़िए कि मैं प्लॉट लेना है, देखना है, पूरी मार्केट ट्राई कर लीजिए फिर आप मेरे पास आइए। ये नहीं कि आपको लगे कि मेरे से देख लिया कहीं और गए। तो जो कुछ लोग रिक्वेस्ट करके मुझसे वीडियो कहते डाल दीजिए फिर वो आपके झूठ बोल जाते हैं औरों को भी वीडियो दिखा देते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत सारे समय ऐसे तो बिलर से केवल ज़िंदगी के हैं ही जो दुनिया में आए हैं, तो यहाँ पे तो आपको सब करके जाना ही पड़ेगा, बाकी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। धन्यवाद, बैक कैमरे से 25 गज की वीडियो को देखने का प्रयास करें। मैं लेकर आ गया हूँ ये 15 फीट की गली में, और सामने 40 फुट है, फिर 30 फुट, और उसी गली के अंदर ये देख सकते हैं अच्छे अच्छे घर बने हुए रमा विहार के अंदर, और ई ब्लॉक है ये जो हाईवे के टच का ब्लॉक सबसे है, और मैं VIP और K में काम नहीं करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि सबसे नज़दीक जिसमें मैं काम करता हूँ सबसे नज़दीक का, और अच्छे अच्छे घर बने हुए, सारी सुविधाओं से सुसज्जित, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, सीवर, गैस पाइपलाइन, बिजली, पक्की गलियाँ, अच्छे लोग, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। पहले वीडियो देखें और फिर हमें दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर लिखें, पहले आप लिखिए या रिकॉर्डिंग मैसेज भेजिए, लेकिन तुरंत नंबर लेके वीडियो पूरा नहीं देखकर और आप मुझे कर दें तो गलत बात है। ये पानी की कनेक्शन आप देख सकते हैं, पानी यहाँ आता है एक दिन छोड़कर, और मीठा पानी अभी सीवर मैंने दिखा दिया है लेकिन सीवर अभी चालू नहीं है, सीवर केवल लखीराम पार्क में चालू है। तो बिजली का मीटर लगा हुआ मैं आपको दे रहा हूँ, और कम से कम ये रोड से 2 फीट नीचे है आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छा बना हुआ है, आप इसमें रह सकते हैं अभी 5-10 साल आराम से। नीचे पत्थर लगा हुआ है, टाइल भी नहीं पत्थर है, और साफ सुथरे बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ऊपर भी आप देखें छत सीलिंग वर्क भी अच्छा है, कुछ भी नहीं करना है, और आप चाहें कोई रेंटल इनकम चाहिए तो रेंटल इनकम भी आपको मिल सकता है, इस पर अभी रेंट भी आ रहा है 3,000 रुपये का, तो रेंट पे भी आप दे सकते हैं, रेंटल इनकम आता रहेगा, और आप इस प्लॉट को यदि 6 महीने साल भर रख लेते हैं तो मैं चाहता हूँ कि शेयर मार्केट हो या बैंक हो, कोई भी बिजनेस इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है।
तो आप इस पे आए, बस मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि आपको मैं दिला रहा हूँ तो मेरे थ्रू बेचें कि हमारा भी थोड़ा सा रोज़गार चलता रहे। ये किचन था जो मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए नीचे पत्थर है बिल्कुल ओके, साफ़ सुथरा बना हुआ, कहीं से कोई सीमेंट वगैरह नहीं चल रहा है अभी, तो सेलिंग वर्क एक सिंगल फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। नीचे का बना हुआ है, ऊपर छत है आपका, नीचे नहाने का कमरा जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शर्मा जी की फाइल में है, रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं लेकिन जीपीए प्रॉपर्टी है, बैंक लोन नहीं होगा। ये जरूर रखें कि मेरे जो चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, सीधी पार्टी से मीटिंग होगी, यहाँ पर केवल आपको मुझे कमीशन देना है, आप मुझे कमीशन देंगे और सीधी पार्टी से डील होगी। आस्किंग प्राइस 13.5 लाख रुपए है, देखिए इस पे भी सफ़ेद पत्थर लगे हुए, आजकल लोग टाइल लगा देते हैं लेकिन ये पत्थर लगा हुआ है, ये मैं आ गया आपको लेकर छत पर, और लोग रात को सोते हैं छत पे, यहाँ घर चारों तरफ बने हुए, पिलर भी दिखाऊंगा मैं, और ठीक ठाक बना हुआ है। ये एक बेसिन है और सामने भारतीय सभ्यता का एक टॉयलेट भी है यहाँ पर, तो नीचे नहाने का है, ऊपर लैट्रिन बना हुआ है, गर्मी के दिनों में आप ऊपर रात को सो सकते हैं, सर्दी के दिनों में छत पर आ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं, विटामिन डी मिलेगा आपको, ये मैंने दिखा दिया। तो ये बहुत ही ठीक है, आस्किंग प्राइस 13.5 लाख है, अब जितने में बात बन जाए वो आपकी। ये देखिए मैं पिलर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे दिखता है मैं उस सबको आपके सामने, कल को आप नहीं विजिट करें समय का अभाव हो तो वीडियो पे करीब करीब सारी जानकारी, आबादी मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ घुमा के, आबादी अच्छी है, घर बने हुए हैं, और बगल के जो रह रहे हैं वो भी मेरे जानकार हैं, उनको भी मैंने दिया है, वो हमारे बारे में बता देंगे कि कितने हम लोग कितने ऑनेस्टली डील कराते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं आपके लेकर हाजिर हूँ, बाकी 25 गज का प्लॉट भी आपको मिल जाएगा रमा विहार में लेना चाहें आप तो, मेरे पास इस टाइम उपलब्ध है 11 लाख से लेके 15 लाख तक। ये हॉस्पिटल है महाराज अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहनी में, आपको मैं वो दिखा पा रहा हूँ, भगवान करे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। रमा विहार में भी हॉस्पिटल है, सिग्नेस हॉस्पिटल भी है, तो और ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का है, हेलीपैड छत पे ही, और ये मिक्सन मॉल देख रहे हैं जो आपको यहाँ से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर पर मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन की मैं बात करूँ तो आप रिठाला मेट्रो अभी सेक्टर 34 तक आ जाएगा तो नज़दीक हो जाएगा, लेकिन रिठाला मेट्रो आपको अभी मिलेगा और यहाँ से बस और ग्रामीण सेवा मिल जाती है रमा विहार से, बस स्टैंड दो दो हैं रमा विहार में, तो करीब 7-8 किलोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, मस्ट फर्स्ट WhatsApp me, write the size of plot and your budget.